कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों के जरूरी निर्देश दिए। अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गंभीर प्रकृति के वादों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाई जाए। उन्होंने पास्को को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाए जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अपराधी किस्म के लोगों को यह मैसेज जाए कि छोटा से छोटा अपराध करने पर वे भी सजा से बच नहीं सकते हैं। अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि न्यायालय में साक्ष्य के लिए आने वाले गवाहों से 100% परिचित कराया जाए तथा दोष मुक्त मामलों में नियमानुसार अपील की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान में ई प्रोसिक्यूशन डाटा फीडिंग सम्मान तमीला इत्यादि कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए। जिलाधिकारी ने मौजूद शासकीय अधिवक्ताओं एवं अभियोजन के अधिकारियों से न्यायालयों में साक्षियों में उपस्थित और उन्हें पक्षद्रोही होने के कारणों से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग व अभियोजन विभाग से कहा कि समन तमीली समयबद्ध होनी चाहिए। अधिकतम समीक्षाओं को न्यायालयों के समक्ष परीक्षित कराया जाए। आकारण साक्षियों की वापसी न होने पाए यह प्रत्येक दशा से सुनिश्चित किया जाए। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में सफल अभियोजन पैरवी कर सजा का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का निस्तारण शीघ्र हो सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबित वादों को समय से निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनीति, अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ, अपर पुलिस अधीक्षक धनश्याम चौरसिया, क्षेत्राधिकारी गढ़, शासकीय अधिवक्तागढ़ आदि उपस्थित रहे।